राजनेता सभी का है। हमसे कोई पूछे कि आपकी जाति क्या है तो मैं आपकी जाति क्या है तो मैं कहूंगा हमारी जाति है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस। हमसे पूछे कि आपका गोत्र क्या है तो मैं कहूंगा कल्चरल नेशनलिज्म सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ही हमारा गोत्र है। और ये लोगों को जाति के आधार पर वोट हासिल करना चाहते हैं, गोत्र के आधार पर वोट हासिल करना चाहते हैं, क्या इस देश की सोशल हार्मनी को ये तार तार कर देना चाहते हैं, कहां ले जाना चाहते हैं देश को। मैं आप सबसे अपील करने आया हूं बहनों भाइयों कि आप सबको सजग रहने की जरूरत है। अब तो कांग्रेस समाप्त हो रही है, भारत लगातार मजबूत हो रहा है, भारत आगे बढ़ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है मेरे बहनों भाई। दुनिया भारत को कमजोर भारत नहीं मानती है, दुनिया भारत को एक ताकतवर भारत मानती है। दुनिया में किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर आंख उठाकर देख ले। गुजर गया जमाना, आपने देखा हमारा एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान, पाकिस्तान से कुछ आतंकवादी भारत की सीमा में घुस आए, हमारे प्रधानमंत्री ने हम दो चार लोगों के साथ बैठकर दृढ़ निश्चय का परिचय देते हुए फैसला किया। उसके बाद हमारे देश के बाहर और सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर एक एक आतंकवादी का सफाया कर दिया। उस सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में कांग्रेस के लोग प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, हमारे सेना के जवानों की ईमानदारी पर सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं। भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ बहनों भाई, पॉलिटिक्स इतना नीचे गिरकर नहीं की जा सकती। इनके शासनकाल में सुरक्षा की दृष्टि से क्या था और आज क्या है कोई उठाकर तुलना कर ले। नक्सलियम का जहां तक सवाल है, इनके शासनकाल में देश के 90 जिलों में था, 90 डिस्ट्रिक्ट्स नक्सलियम से प्रभावित थे, आज सिमट कर 7-8 जिलों तक रह गया है बहनों भाइयों, 7-8 जिलों तक रह गया है। और भारत का गृह मंत्री होने के नाते मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं विद इन 3-5 ईयर्स नक्सलियम हिंदुस्तान की धरती से समाप्त होकर आतंकवाद आप देख रहे हैं, पाकिस्तान से आतंकवादियों को जो भारत की सीमा में प्रवेश कर कश्मीर को डिस्टर्बलाइज करना चाहते हैं, भारत को डिस्टर्बलाइज करना चाहते हैं, धड़ाधड़ हमारे सेना के जवान, हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस और हमारे सीएपीएफ, हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, ये सब सारे जवान एसएसबी धड़ाधड़ उनको धराशायी कर रहे हैं। 2 सप्ताह के अंदर 18-20 आतंकवादियों को धराशायी करने में कामयाबी हासिल की। भारत की सीमाएं भी सुरक्षित है मेरे बहनों भाइयों। और मैं बताना चाहता हूं, मैंने तो साफ साफ निर्देश दिया है अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को, पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, पहली गोली तो पाकिस्तान पर नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बराबर हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। इसलिए पड़ोसी पर पहली गोली तो मत चलाना, लेकिन पड़ोसी पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोली चलती है तो भारत की गोलियों को काउंट नहीं किया जाना चाहिए बहनों भाइयों। सीमा पर हालात बदल गए, और मैं नौजवानों आपके अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम से अच्छी तरह वाकिफ हूं, बहुत वादे किए यहां की टीआरएस गवर्नमेंट ने, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया है। हमारी गवर्नमेंट बनेगी बहनों भाइयों तो एक वैकेंसी सारी फिलअप कर दी जाएंगी और 1 लाख नौजवानों को तुरंत 6 महीने के अंदर रोजगार मुहैया कराएगी। जो हमारे यहाँ के बुजुर्ग हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए ओल्ड एज पेंशन 2000 रुपीज पर मंथ मुहैया कराएगी। बहनों भाइयों और कुछ बोलना चाहता था लेकिन अभी संदेश मिला है कि समय हो गया है टेक ऑफ करने का,
इसलिए अंत में आप सब लोगों से अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, जी हमारे जंगम गोपी को जिता दीजिए। और मैं देख रहा हूं कि आप सब जिता दीजिए। और मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं, और मैं मीडिया के लोगों से भी कहना चाहता हूं, एक बार अपना कैमरा घुमाइए, हाथ उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच एक बार अपना समर्थन दीजिए। बहनों भाइयों, बजाते रहिए। तो जंगम गोपी को फूलों की हार पहनाकर इनका स्वागत कराने के लिए नहीं आऊंगा, मैं खुद भी फूलों का हार पहनने के लिए नहीं आऊंगा। मैं यदि आना चाहूंगा तो शीश झुकाकर इस क्षेत्र की जनता का हार्दिक आभार व्यक्त करने के लिए आना चाहूंगा, अभिनंदन करने के लिए आना चाहूंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत।